होगा क्या, छह नहीं सात होगा, बता रहे आपकी हैं सातवां सोच कौन है, का। आपकी सोच है, ये जो बात आपने की है ना, ये आप अगर नौजवान जो घर में जो बच्चा होता है, जो 18 साल से कम उम्र होता है, उसको साथ मिला के उसके हाथों फेंस करवाया जाता है ताकि उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलनी और दुश्मनी भी पूरी हो जानी है। गाड़ी से उतरवाना तो बहुत दूर, उसका शीशा एक खास लेवल से नीचे नहीं करवा सका, लेकिन उसके घर वाले, हर वो बंदा जो उसको सपोर्ट कर रहा था, और ये जितने बच्चे उस वक्त गाड़ी में बैठे थे, मैं समझता हूं उन सारे बच्चों समेत उनके घर वालों को भी इसके अंदर इंप्लीकेट करना चाहिए ताकि इन लोगों को बिल्कुल आइंदा क्वेश्चन समझ आए। बड़ा होगा, वो जानना भी चाहते हैं बच्चे को सजा होगी या उसके बाप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उजमा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उजमा। लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया चंद दिन पहले पेश आया है। एक ही घर के छह अफराद जान बहक हो गए, गाड़ी को हिट किया गया बड़ी स्पीड से, और गाड़ी हिट करने वाला जो बच्चा है वो किसी ऑफिसर का बेटा है, और गरीब की आज तक पाकिस्तान में सुनी नहीं गई, और मेरे ख्याल में शायद कि अब सुनी जाए जिस तरह से ये केस ने हाइप पकड़ी है और हरकत में आए हैं हमारे सारे इदारे। बात करते हैं अहमद शेर जट साहब से कि बच्चे की उम्र भी कम है, गाड़ी चला रहा है, उसको गाड़ी क्यों दी गई, फिर उसने हूटिंग की है, औरतों को धमकाया है, उसके बाद गाड़ी को हिट किया और 170 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि 170 और 80 से गाड़ी चल रही थी और छह लोग जो है वो एक सेकंड के अंदर अंदर इस दुनिया फानी से जा चुके हैं। घर वालों के ऊपर अभी तक वो सदमे में हैं, बात करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं, कुछ बातें वो कर भी नहीं, लेकिन उनसे डेली कचहरी कोर्ट के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि एक छोटा बच्चा जो कि ए लेवल का स्टूडेंट है, ए टू का स्टूडेंट है, उसको गाड़ी दी गई, फिर उसने गाड़ी को जिस तरीके से हिट किया और कितने सुकून से बैठ के उसने ये बताया कि मैं जा रहा था और मेरे बैरियर लगे हुए थे, इस तरह क्या कहेंगे, क्या सजा होगी, 302 शामिल क्यों नहीं की गई, रिमांड क्यों नहीं लिया गया अभी तक, और अभी तक उनकी फैमिली के साथ उन्होंने कोई अफसोस का इजहार भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले ना इस सारे मामले को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि ये जिम्मेदार, जिसको हम बज़ाहिर समझ रहे हैं कि एक बच्चा जो गाड़ी चला रहा था, उस बच्चे की उम्र कम थी और हम समझ रहे हैं कि वो बच्चा जिम्मेदार है, तो वो अकेला बच्चा जिम्मेदार नहीं है। जी और दूसरा जो आपका सवाल है कि 302 क्यों नहीं शामिल की जाती, ये बेशुमार लोग जानना चाहते हैं कि जी बंदे तो मर गए, इतनी जानें चली गई, उसके बावजूद 302 नहीं लगी, तो बेशुमार चीजें ऐसी जो है ना, वो लोगों के जहन में सवालात होते हैं। अब मसला असल ये है कि आपका निजाम, निजाम क्या है कि आपके निजाम में एक कानून बना दिया जाता है, और हमारे मुल्क के अंदर वही एक पुरानी मिसाल राइज है कि जिसके लिए कानून बनाया जाता है उसको पता ही नहीं है, जी जिस अवाम के लिए कानून बनाया जाता है उसको पता ही नहीं है, और जिसका हाथ पड़ता है, जिसके पास जरा सी भी हैसियत ताकत बिसात है, वो उस कानून को मानने को तैयार नहीं है, जिस वजह से ये वाकयात होते हैं। और उससे बड़ा आगे जो फेलियर या उससे बड़ा जो क्रिमिनल है, मैं समझता हूं वो आपकी रियासत है, वो आपकी वो रियासत है, आपके वो रियासती इदारे हैं। अब मैं देख रहा था कि उसी इस वाकये के अंदर सीटीओ ने जाकर वीडियो बनाई है, सीटीओ ने जाकर, क्योंकि आजकल पंजाब पुलिस भी जी पूरा जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो और वो पंजाब पुलिस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है। अब सीटीओ जाकर वहां खड़ा होकर उस जाए वकुआ के ऊपर वीडियो बना रहा है, और वो खुद इतना इनसिक्योर है कि उसने एक सिपाही जो है, गनमैन जो है, वो सड़क की तरफ खड़ा किया हुआ है और खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। और आम आवाम के तहफ्फुज़ के लिए ये इदारे किस कदर इंटरेस्टेड हैं या किस कदर ये लोग सही में काम कर रहे हैं, वो उस एक वीडियो से जो सीटीओ खड़ा होकर रिकॉर्ड जी करवा रहा है आपको वाजी हो जाएगा। अब कानून मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र तो ड्राइवर हो ही नहीं जी सकता। बिल्कुल अब अगला मसला हमारा है, मैं अपने बच्चे को इजाजत दे रहा हूं, वो मेरा मसला है, जो कि हमें नहीं देनी चाहिए, हम कर रहे हैं। हमारी तमाम इदारों को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सारा दिन नजर आ रहे हैं बच्चे ये काम करते हुए, कोई रोकने वाला नहीं है, इससे पहले कोई नहीं रोकता। अब आते हैं जो असल मुद्दा, ये है लोगों के जज्बात ये कहते हैं कि उसके ऊपर कत्ल की दफात लगनी चाहिए थी, जी कत्ल की दफात क्यों नहीं लगी। कानून ये कहता है, एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसका ऑर्डिनेंस आया था 2000 में, जो ये कहता है 18 साल से कम उम्र बच्चे को जुवेनाइल कहा जाएगा, उसका ट्रायल जुवेनाइल किया जाएगा, उसको जुवेनाइल अदालत में पेश किया जाएगा, उसको जुवेनाइल तरीके से रखा जाएगा, उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, उसको बेहतर करने के लिए रखा जाएगा,
वो उसके लिए तो वो जेल ही नहीं होगी, उसको एक अच्छे तरीके से सेट करने के लिए, उसको उसकी सेहत को उसके साइकोलॉजिकल रिफॉर्म के लिए रखा जाएगा। तो ये था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अब वो बच्चा उसके अंदर जब फॉल करता है तो वो उसमें नहीं आएगा जो आपका आम कातिल कैटेगरी है। दूसरी चीज ये है कि जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं उनमें वो दियत वाला मामला देखा रखा जाता है, उसमें अदफात जो है वो रखी जाती हैं जिसमें आप दियत देकर निकल सकते हैं। लेकिन अब इस केस के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है, इसको सोशल मीडिया का प्रेशर कह लें, मेन स्ट्रीम मीडिया भी क्योंकि थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी थोड़ी देर के लिए गैरत आई है, और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी ने भी थोड़ा सा दिल गुर्दा निकालकर इसको सुना है, इसलिए इसके अंदर अब दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है। अब जब दहशतगर्दी की दफात शामिल हो जाती है तो फिर आपका जो मुल्जम है उसका स्टेटस आम मुल्जम वाला नहीं रहता, वो दहशतगर्द कहलाता है। और जब वो दहशतगर्द कहलाएगा तो दहशतगर्दी अदालत के अंदर उसका ट्रायल होगा, दहशतगर्दी अदालत के अंदर उसको ले जाया जाएगा, और दहशतगर्दी अदालत से ऑलरेडी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर कबल ही उस लड़के का 5 दिन का रिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको पुलिस के हवाले रिमांड के ऊपर कर दिया गया है ताकि उसे मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा सके। और जो बजाहिर एक पिक्चर दी जा रही है और जो हम तवक्को भी करते हैं वो ये है कि उस बच्चे के वालिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है कि उसको वालिद को गिरफ्तार किया जाए, उसके वालिद को कस्टडी में लेकर उसको जिम्मेदार इसका साथ साथ बनाया जाए, और साथ साथ कोई एक ड्राइवर गार्ड वगैरह उन लोगों का भी जिक्र है। तो ये अब उसमें चल रहा है। इस तरह तो सर कोई भी बच्चा जो 15, 16 साल, 17 साल जिसकी उम्र होगी वो कोई भी यानी कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को भी इस तरह हरासा करने के लिए गाड़ी आगे भगाएगा, हुटिंग करेगा, उसके बाद जिगजैग करते हुए इतने लोगों की जान ले लेगा, होगा क्या? 6 नहीं 7 होगा। आपकी सोच है, ये जो बात आपने की है ना, ये आप अगर थोड़ा सा पंजाब के बाकी इलाकों में या आप कहीं और देखें तो ये बकायदा मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया जाता है जी। दुश्मनियों के अंदर नौजवान जो घर में जो बच्चा होता है जो 18 साल से कम उम्र होता है उसको साथ मिला के उसके हाथों ऑफेंस करवाया जाता है ताकि उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलनी और दुश्मनी भी पूरी हो जानी है। और ये कोई बईद नहीं है, जिस तरह मैंने वैसे सुना है वो वालिद का इंटरव्यू जिसके घर के ये सारे अफराद फौत हुए हैं, वो तो कहता है कि ये किलिंग है, ये कोई मतलब ये कोई हादसा नहीं है, ये टारगेट किलिंग है सीधी सीधी। वो कह रहा उसने नशा किया हुआ था और वो हमारी बात नहीं सुन रहा था, मेरे बेटे ने उसको उतर के कहने की कोशिश भी की है लेकिन फिर वो हमारी औरतों को भी हरासा कर रहा था, सारी सीसीटीवी की फुटेज भी आ गई। आपने शायद इन दिनों में ही देखा होगा कि एक बड़ी सारी गाड़ी में एक बच्चा बैठा है कम उम्र और उसको एक SP लेवल का ऑफिसर पुलिस का गाड़ी से उतरवाना तो बहुत दूर, उसका शीशा एक खास लेवल से नीचे नहीं करवा सका। तो ये जो असल में जो नशा है ना वो नशा दौलत का है जी। वो नशा घर बड़े का है और वो नशा असल में तो इस नशे का इलाज जरूरी है, दूसरा नशा तो वैसे भी बंदा जल्दी छूट भी जाता है, निकल भी आता है और उस नशे को तो खत्म करना भी आसान है, उसको तो कोई खिला पिला के चार चपेड़े मार के भी उस नशे को खत्म किया जा सकता है। जिस नशे को खत्म नहीं किया जा सकता और जो नशा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है वो ये है, वो ताकत का नशा, वो दौलत का नशा, और उसी नशे में उस बच्चे से ये सारा कुछ हुआ है, जिसका मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि उस बच्चे को भी स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जिन लोगों की जाने गई हैं वो उनके लिए जिम्मेदार है। लेकिन उसके घर वाले, हर वो बंदा जो उसको सपोर्ट कर रहा था, और ये जितने बच्चे उस वक्त गाड़ी में बैठे थे, मैं समझता हूँ उन सारे बच्चों समेत उनके घर वालों को भी इसके अंदर इम्प्लीकेट करना चाहिए ताकि इन लोगों को आइंदा समझ आए। सर कितने अफनान अब डरेंगे या और ज्यादा यानी कि इस तरह के हादसे और करेंगे? इस अफनान ने क्या मैसेज दिया कि अब अफनान डरेंगे या वालदैन जो है और जिनके घर में अफनान रहते हैं उनको वो समझाएंगे या कोई अब कानून हरकत में आएगा? देखें ये तो डिपेंड करता है उसमें कि हम करेंगे क्या इस केस में। जी। आप गवाह हैं, हमने कई ऐसे डिजिटल मीडिया के ऊपर केसेस हाईलाइट होते देखे, सोशल मीडिया ही उसको 4 दिन लेकर चलता है, बाकी मेनस्ट्रीम मीडिया का तो एक अपना इंटरेस्ट है, वो तो एक कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है, कारोबार सोशल मीडिया भी है लेकिन चूंकि इसमें आम लोग भी होते हैं तो वो कारोबार के साथ साथ अटैचमेंट की वजह से भी काम करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमने इस केस में करना क्या है, हमने और जो मुदई है। अब प्रॉब्लम यह भी है कि इस केस के अंदर दियत वाला मामला हो सकता है, इसके अंदर पैसों वाला मामला हो सकता है, क्या होना है आगे हमें नहीं पता, और ये उसका हक है, उसकी चॉइस है, वो फैसला कोई भी करे, लोगों को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, उस वालिद को जो ऑलरेडी अपना पूरा खानदान गवा बैठा है, वो उसका हक है, वो जो भी फैसला करे वो उसको इख्तियार होना चाहिए पूरा, उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने इस मुकदमे के साथ क्या करना है, और हमारी
इसमें सिर्फ ये पुलिस शामिल नहीं है, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल नहीं है, अदलिया से लेकर आप मैं और हर आम शहरी जो इस केस के ऊपर नजर रखेगा या जो इसके ऊपर बात करेगा, जो इसके बारे में जानेगा या जो किसी भी सूरत इसमें इन्वॉल्व है, ये उन सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इस केस के साथ क्या करना है और फिर जो इस केस के साथ होगा उसी की बुनियाद पर हमने अगला देखना है कि कितने अफनान डरेंगे, या कल को फिर यही काम होगा कि हर घर से अफनान निकलेगा और किसी के घर के 6-7 अफराद मारेगा और उसके बाद 4 दिन बैठ के मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे, पुलिस के मीडिया के, हर जगह होके घूम फिर के वापस अपने घर आ जाएगा और वो लोग जो हैं वो तड़पते रहेंगे। सर, इस केस में सर क्या मैसेज है? देखिए, वालदैन के लिए बड़ा जरूरी मैसेज है कि आप ना सिर्फ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अब आपके पास ये तो देखे ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो लोग मारे गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, शहादत हुई बल्कि उन लोगों की, लेकिन अगर ये भी उसी तरह का इसके साथ होता, आप ना सिर्फ लोगों की जान में खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को आप अपने हाथों से मरने के लिए घर से बाहर भेज रहे हैं, तो खुदारा इस चीज के ऊपर सोचें। नहीं है जरूरत आपको अभी इतनी जल्दी कोई 18 साल से कम, एक कानून बनाया जाता है कानून को चलाने के लिए, कानून आपके सोसाइटी के अंदर चीजें उसको बैलेंस तरीके से चलाने के लिए बनाया जाता है, उसको फॉलो करें। अपने बच्चों को 18 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दें। मैं 18 साल से भी ज्यादा ये कहता हूं कि पहले 18 साल अगर उसने एज अटेन कर ली है तो उसके बावजूद देखें कि क्या आपका बच्चा हैंडल कर सकता है इस तरह की सिचुएशन को, किसी भी चीज को, क्या उस बच्चे के उसका मेंटल लेवल क्या है। आपने यहां किसी को कोई नौकरी देनी है तो साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपने किसी को, लेकिन हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऐसा मामला है, ड्राइविंग लाइसेंस हर उस बंदे को इशू किया जाता है। ये 2-3 चीजें आपने, मैं चाहता हूं कि आपके तवसत से जो लोगों के जेहन में आए, ड्राइविंग लाइसेंस देने का मियार बेहतर होना चाहिए और देना चाहिए मैक्सिमम, अगर लोग पास कर रहे हैं उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनानी चाहिए। और सबसे ज्यादा ये कि लाहौर हाईकोर्ट की पहले से एक जजमेंट पड़ी है कि जितनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, अब 73 लाख गाड़ियां लाहौर के अंदर चल रही है, 13 लाख लाइसेंस है, क्या फर्क है, कितने गुना कम लाइसेंस है और कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं। तो आप इस चीज को खुदारा मेक श्योर करें, सिर्फ मतलब इंप्लीमेंटेशन का मामला है, ऑलरेडी लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट मौजूद है जो ये कह रही है कि जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी तो ड्राइवर जो होगा या जो मालिक बन रहा होगा उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, वो होगा, आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वालदैन के लिए अगेन ये कि सिर्फ आप ये ना सोचें कि आपके बच्चे के हाथों किसी ने मरना है, आपका बच्चा भी वापस इसी तरह के स्ट्रेचर पे आएगा या इसी तरह की हालत में आएगा, टुकड़ों में आएगा, तो इज्तनाब करें, कोशिश करें इस चीज को अवॉइड करें, इससे ना सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए, अपने खानदान के लिए, किसी और के लिए भी आप भला करें। जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लोगों के जहन में एक और भी क्वेश्चन बड़ा होगा, वो जानना भी चाहते हैं, बच्चे को सजा होगी या उसके बाप को? देखें, सजा बच्चे की, डायरेक्ट ऑफेंडर बच्चा है, और ये जो एक बात हो रही है ना बच्चे के वालिद को अरेस्ट करना है सारा, इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे कानून को, इसके लिए फ्यूचर में हमें बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। वाइकेरियस लाइबिलिटी एक होती है, एक मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होता है और इस तरह की बेशुमार चीजें होती हैं, मैं आपको उन चीजों में नहीं उलझाऊंगा हमारी आवाम को भी कानूनी मामलात में, लेकिन हमें कानूनी लिहाज से बड़ी मेहनत करने की जरूरत है अगर आइंदा हम इस तरह के केस के अंदर अफनान के जो लवाहिकीन हैं या गार्डियंस हैं या जिन लोगों के सर पे वो बाहर निकला है उनको भी अगर आप इम्प्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको इस केस के ऊपर तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको कानून साजी में बड़ी बेहतरी की जरूरत है। अभी तक आई एम अफ्रेड के ये किसी को हर्ट करे चीज, लेकिन बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया और मीडिया के प्रेशर में आप किसी को इम्प्लीकेट कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद में वो सिर्फ बच्चे की हद तक ही ऑफेंस रहेगा जो फाइनल जाकर किसी स्टेज में होगा, अभी की हद तक हो सकता है वालिद के खिलाफ, लेकिन बाद में वालिद उसमें बरी हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्दर जो भी अपडेट होगी इस केस के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, वालदैन के लिए ये मैसेज इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, अपने बच्चों को वन व्हीलिंग से बचाएं, उनको मत मोटरसाइकिल दें। 11 से 10 साल से 9 साल के बच्चों को मैंने बाइक चलाते देखा है, उनके पीछे उनकी माएँ बैठी होती हैं, शॉपिंग करने जा रहे होते हैं। खुदारा ऐसा मत करें, क्योंकि ये वक्त आप पे भी आ सकता है, एक ही घर के 7 लोग, इमेजिन करें, इंसान की रूह कांप जाती है। अल्लाह हाफिज़।